आप हैं डॉक्टर हकीम यासर अरफात साहब, आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा, आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासर अरफात साहब ने एरोमाथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। आपके इलाज को सराहते हुए कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन मौलाना हजरत शेख डॉक्टर सैयद अहमद शकूरी साहब ने डॉक्टर यासर अरफात को दारुल हुदा इल्म अमान के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इजिप्ट के मुफ्ती आजम दुक्तूर महर अब्दुल कादिर मोहम्मद अली साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। किंग फहद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उमर हसन साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। अमेरिका की मशहूर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर इलाज के माहिर डॉक्टर डॉन ए डिक्सन ने भी डॉक्टर यासर अरफात को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिनसे कई लोग मर चुके हैं, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, अक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। अक्यूट किसको कहते हैं, जिसको हाथ अमराज गुर्दा यानी सडन तौर पर गुर्दों का फेल हो जाना, वो कब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, या कई औरतों को डिलीवरी के वक्त में ब्लड प्रेशर बढ़ के जो किडनी फेल होता है इसको कहते हैं अक्यूट किडनी फेलियर। और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर, यानी कोई एक और वजह की वजह से उसको टाइम लगता है 10 साल से लेकर 15 साल तक। यानी कोई ऐसा एक पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला है, तकरीबन 10 साल से उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा शख्स है जिसको बीपी है, या कोई किडनी में स्टोन है, या कोई पेन किलर ज़्यादा खाता है, या कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या कुछ लोगों को गुर्दों में फोड़े होते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए और वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाती है, और इससे जो किडनी फेल होते हैं इसको क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। जब तक दोनों किडनी फेल नहीं होते तब तक हमारे ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन इंक्रीज नहीं होता है। समझो कि एक किडनी काम कर रही है और एक किडनी कम्प्लीटली फेल हो गई, और जो किडनी कम्प्लीटली फेल हो गई अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, उसके बाद भी अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करके देखते हैं तो ब्लड के अंदर जो यूरिया और क्रिएटिनिन जो होता है वो नॉर्मल ही शो करता है। समझो कि एक ही किडनी बाकी है, अगर वो 50% काम कर रही है और 50% फेल हो गई है, ऐसे वक्त में भी अगर ब्लड टेस्ट उठा के देखेंगे जिसको रेनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर ये यूरिया और क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल शो करता है। जब दोनों किडनी या एक किडनी है तो वो भी अगर 80% से ज़्यादा फेल हो जाती है तब ये जो गिलाजत है ब्लड के अंदर आके जमा हो जाता है। क्योंकि गुर्दों का फंक्शन क्या है, गुर्दों का फंक्शन ये है, गुर्दों की अफाल ये है कि हमारे जो भी खाना और पीना जो भी हम करते हैं वो गुर्दों को जाके फिल्टर करती है, उसका काम है छलनी करना। अगर जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन लीकेज होता है और ब्लड में गिलाजत जाके जमा होती है, जिसको हम यूरिया और क्रिएटिनिन कहते हैं। अगर ये यूरिया 45 से लेके अगर 100 तक भी जाता है और क्रिएटिनिन 1.5 से लेके अगर 5 तक भी जाता है, तब तक भी पेशेंट को किसी भी किस्म की फिजिकल तकलीफें पता ही नहीं चलती। जब ये यूरिया 100 से बढ़ना शुरू होता है, जब क्रिएटिनिन ये 5 से बढ़ना शुरू होता है, तब 6 किस्म की अलामतें बॉडी के अंदर जाहिर होना शुरू होती हैं, जैसा मतली होना, उल्टी होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचके आना, कमज़ोरी होना, पेशाब का कम हो जाना, ये एक अलामतों के बाद दूसरा आना शुरू हो जाते हैं। कई मरीज़ों को हमने देखा है कि बदन के अंदर जो है थोड़े थोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू होते हैं और चेहरा वगैरह सफ़ेद हो जाता है। ऐसे वक्त में जब एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास हम बताते हैं या बड़े हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हॉस्पिटल्स, वहाँ पर जब बताते हैं तो वहाँ पर दो ही सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं
कि भाई इसको इस वक्त में या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या तो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ये डायलिसिस क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, बहुत से लोगों को पता है और जो लोगों को नहीं पता है वो भी आप मालूम करें। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमल होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है। हमारे यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम किडनी फेलियर का इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी यूनानी किताबें अगर आप देखा जाए 100 साल पुरानी 200 साल पुरानी, उनके अंदर ऐसी अदवियों का जिक्र है जो गुर्दों को ताकत देती है, गुर्दों के अफाल को ठीक करती है, पेशाब को लाती है, खून को साफ करती है। और इसी तरह से जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये आज की दवाएं नहीं है, कई हज़ारों साल से लोग जो है इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब एलोपैथिक मेडिसिन दुनिया के अंदर नहीं था तो लोग यही जड़ी बूटियों का इलाज करके लोगों को जो है सेहतमंद करते थे। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसे यूनानी हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो वो डायलिसिस से भी बच सकता है और ट्रांसप्लांटेशन से भी बच सकता है। मैक्सिमम अगर पेशेंट का यूरिया का लेवल अगर 100 के अंदर हो और क्रिएटिनिन का लेवल 5 के अंदर हो, ऐसे वक्त में अगर मरीज़ को हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं या दवाएं हमारे इस्तेमाल कर देते हैं तो मरीज़ को डायलिसिस करने की और किडनी चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ डायलिसिस में चला गया है और हफ्ते में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस कर रहा है, तो यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद उन डायलिसिस की क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक दवाओं के साथ में यूनानी दवाओं का भी इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती दवाओं का इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि हर्बल दवाओं से अपना इलाज व मुआलजा करें ताकि हमारी जो है सेहत बरकरार रहे और बीमारी को आसान तरीके से और कम दाम में इलाज कर सकें। अगर आप अपने हॉस्पिटल के करीब हैं और आप इलाज व मुआलजा करना चाहते हैं तो आप मरीज़ को ला के हमारे हॉस्पिटल के एक्सपर्ट MD डॉक्टर्स के पास बता के इलाज व मुआलजा कर सकते हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल से बहुत दूर हैं तो आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी व्हाट्सएप के या ईमेल के ज़रिए से भेज के हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से, यूनानी हकीम से कंसल्ट करके दवाएं पोस्ट के जरिए से भी मंगवा सकते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊँटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्म तिब हासिल किया। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत मआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत मआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। नाजरीन, आज हम आपको कुछ बातें डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। डिप्रेशन यानी मायूसी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो हर वक्त नेगेटिव फीलिंग्स, सुसाइड टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स, हर वक्त मारने और मरने की बातें करते रहते हैं। उनको आप जायदाद दे दो, उनको आप गाड़ी दे दो, उनको आप बंगला दे दो, बट वो किसी में खुश नहीं होंगे। इसको डिप्रेशन यानी मायूसी कहा जाता है। इंसान एक टारगेट रखता है अपनी लाइफ में कि मैं एक कार लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और उसके चक्कर में वो मेहनत करता है। फिर समझता है कि मैं घर बना लूँगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैं शादी कर लूँगा तो लाइफ में सेटल हो जाऊँगा, फिर वो शादी भी करता है। फिर समझता है कि नहीं, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। जब उसको अच्छी जॉब भी मिल जाती है तभी भी उसकी खुशी नहीं आती। इसको डिप्रेशन कहा जाता है।
یعنی اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی مایوسی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے کئی وجوہات ہیں، جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا۔ ہمارے ہاسپٹل میں ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ ان سے بات کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے اور جو وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے وہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی بچہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، بولتے کہ ہاں۔ آپ کو رہنے کے لیے گھر ہے، بولے کہ ہاں۔ کھانے کے لیے کھانا وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتا ہے، بولے کہ ہاں۔ اور پھر آپ ڈپریشن کیوں ہیں، تو بولتے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اور جو ہے میری بات، میری جو رائے ہے اس کو نہیں مانتا۔ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اگر وہ ایکسپیکٹیشن اس کو فلفل نہیں ہوتا ہے جب ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص پورا دل و جان سے اپنی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، بٹ ایک دن آتا ہے کہ اس کو ریٹائرمنٹ کا وقت ہوتا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ اس کمپنی کو نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کی ایج بڑھ گئی ہے اور آپ اس کے بعد گھر میں بیٹھے رہیے۔ تو اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ شراب اور گنجا، افیون جیسے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، جب ان کو وہ چیز میسر نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں جس کے اندر نگیٹیو ڈائیلاگس ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیریل دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اس جس کے اندر ساس بہو کو مار رہی ہے اور بہو ساس کو گالی دے رہی ہے، ایسے چیزیں جن کو پسند ہیں، یہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ میسیج جو ہے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں چل کے جو ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے، اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں، کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ ان لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، زیادہ تر ہر وقت جو ہے سر میں درد اور راگ میں جگتے رہنا، اور وہ زیادہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور بھی ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن یہ جو ہونے کے کئی ریزن ہیں، مگر اس کا ایک بڑا سلیوشن یہ ہے کہ ہم ایسے مریضوں کو بات کریں، کونسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، اگر ان کا علاج کریں تو وہ ڈپریشن سے نکل کے واقعی صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں، ان کو صحت مل سکتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی پرابلم سمجھتے ہیں، ان کو اگر ہم کونسلنگ کرتے ہیں تو 100% وہ ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں کھاتے ہیں اور جو ہے نیند نہیں آنے کی وجہ سے نیند کی دوائیں کھاتی ہیں، اور وہ اس کے بعد اس میں اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بار 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 نیند کی گولیاں کھا کے وہ پورا دن سوتے رہتے ہیں اور تقریباً رات میں کچھ حصہ وہ جگتے رہتے ہیں، ان کا تعلق دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ اگر قرآن کا صحیح میسیج ہم سمجھیں گے اور ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگ اس کو سمجھ کے اپنے جو ایکسپیکٹیشن کم کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ اس ڈپریشن سے واپس آ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم ایکسپیکٹیشن کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بیسک نیڈ، دوسرا ہوتا ہے وانٹس۔ نیڈس کے معنی، اگر کسی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے یا پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ مگر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نیڈ کب کی پوری ہو گئی، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، اب وہ چاہتا ہے لگژری لائف۔ سمجھو کہ میرے پاس ماروتی کار ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بینز چاہیے، اور بینز کار رکھنے والا چاہتا ہے کہ مجھے ہیلیکاپٹر چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو فلائٹ چاہیے۔ انہیں ایکسپیکٹیشن جو ہے کے چکر میں، وہ اپنے لگژری لائف کے چکر میں، اور وہ اور محنت کرتا ہے، جب اس کو نہیں مل پاتا پھر ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کپڑے، تقریباً 200 روپے میں بھی جو ہے اپنا جسم چھپ سکتا ہے، مگر لوگ 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 ان کے لگژری لائف کے بڑھانے کے چکر میں جو ہے مایوس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جیسا موبائل فون ہے، 1,000 روپے کے موبائل فون میں بھی بات ہو جاتی ہے،
मगर लोगों को दिखावे के चक्कर में, लोगों को जो है अपने आप से बड़ा करने के चक्कर में लोग बड़े बड़े मोबाइल रखने की कोशिश करते हैं। जब उसको नहीं मिल पाता फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में हम डिप्रेशन का इलाज करते हैं। इससे कई लोगों की ज़िंदगी अल्लाह के करम से बदल चुकी है। जो लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे थे, जो लोग नींद की दवाएँ खा रहे थे, हमारे हॉस्पिटल के इलाज के बाद वो लोग डिप्रेशन से निकल के काफ़ी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपके घर के अंदर या मोहल्ले के अंदर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दुनिया से कट के डिप्रेशन में जाते हैं और बार बार सुसाइड करने के कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कोई मेरा नहीं है, इस दुनिया से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी अगर बातें करते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें भेजें। उनको काउंसलिंग के साथ साथ दवाएं अगर देंगे तो उनको बेहद फ़ायदा होता है। अगर वो एंटी डिप्रेशन या नींद की दवाएं भी खा रहा है तो हमारी दवाएं खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्रेशन में जो मुब्तला है वो निकल सकता है। आपकी रिसर्च कौमी और बैनुल अक्वामी सतह के कई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में शिरकत करके जिन मकालत को पढ़ा है, जिस पर उनको कई अवार्ड्स और तारीफी और तौसीफी सनादों से नवाजा गया है, इनके इल्म और तजर्बा की गहराई का सबूत है। डॉक्टर यासर अरफात डॉक्टर सफीना के यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मकामी मरीजों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके रहने का भी खास इंतजाम किया जाता है। खासकर सऊदी अरब, गल्फ और एशिया के ममालिक से मरीज आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाते हैं। नाजरीन, आज हम आपको ओबेसिटी यानी मोटापा के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। मोटापा एक बीमारी नहीं है, मगर हाल में रिसर्च करके ये साबित किया है कि मोटापा खुद एक बीमारी है और ये कई बीमारियों की माँ है। यानी ओबेसिटी जिन लोगों को रहती है जिनकी वजह से कई बीमारियाँ आते हैं। ये मोटापा आता क्यों है, ये ओबेसिटी होती क्यों है, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। एक बात ऐसी हो सकती है कि जैसे जेनेटिक फैक्टर, माँ बाप मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होगा, ये एक नेचुरल वे है। इसके अलावा कई दवाओं का इस्तेमाल, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स, इंसुलिन और एंटी डिप्रेशन दवाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है। इसी तरह से लाइफ स्टाइल, जॉब्स, जैसे रात में बहुत देर तक काम करना और बहुत देर तक बैठे रहना, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का हो, जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज, वर्जिश बिल्कुल नहीं होती या कम होती है, उसके अंदर भी मोटापा बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं जैसा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतों को एक पैदा होती हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और इस तरह से बहुत से बीमारियां हैं जिसके अंदर जो है मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आम हमारे माहौल के अंदर जो मोटापा है, वो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या जो है कोई माँ बाप मोटे होने की वजह से नहीं, बल्कि हम अपनी ग़िज़ा में एहतियात ना बरतने की वजह से होता है। जैसा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो पेट है ये एक बुरी हांडी है, अगर तुम्हें इसको भरना ही है तो वन तैट खाना, वन तैट पानी और वन तैट हवा के लिए छोड़ दो। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इतनी ग़िज़ा काफ़ी है जिससे तुम्हारी कमर सीधा हो जाए। एक्चुअली ये हदीसों तिब्बी नववी के अंदर कई वास्त तरीके से एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पढ़ें। मेरा जो टॉपिक है ओबेसिटी के बारे में, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये ओबेसिटी होता क्यों है। अगर आप देखा जाए कि जो भी हम खाते हैं इसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। आप इंटरनेट पे जाके गूगल्स में सर्च करें कैलोरीज, कौन से फूड में कितना होता है, आपको पता चलेगा। जैसा बिस्किट्स में 30 कैलोरीज, बनाना में 1000 कैलोरीज, जैसा आम है उसके अंदर 500 कैलोरीज, इस तरह से जो है ग़िज़ा को कैलोरीज में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से जैसे नॉनवेज है, चिकन है, मटन है, जिसके अंदर तकरीबन 4000 कैलोरीज तक मौजूद है। अब हमारी बॉडी जो है एक दिन के अंदर 1500 कैलोरीज बर्न करती है, यानी उसका इस्तेहाला होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपने उससे ज़्यादा खा लिया
तो ये 1500 से ज्यादा जो आपने खाया है वो बैंक में जैसे पैसे डिपॉजिट होके रहते हैं, इस तरह से ये फैट की शक्ल में डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। और नेक्स्ट डे अगर आपने रोजा रख लिया और आपने बहुत कम खाया तो फिर वो दूसरा जो है मेटाबॉलिज्म जो है होके वो बर्न हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम जो है नाश्ते में तकरीबन 5000 कैलोरीज खाते हैं और तकरीबन जो है दोपहर के अंदर तकरीबन 5000 कैलोरीज और रात में 5000 कैलोरीज, और खुदा ना खासा किसी ने हमें जो है मुफ्त दावत में बुला लिया तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार कैलोरीज जो है जब तक हम जो है नहीं खाते, बाहर नहीं आते। ये एक अफसोस की बात है, ये मजाक की बात नहीं है, ये अफसोस है कि हम जो है खाने में एहतियात नहीं करते। जो मिला, जैसे मिला, जब मिला, दिन रात खाते हैं और जो है कोई एहतियात नहीं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और जो है सुखल ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये वज़न बढ़ता है। और इससे में क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, सांस फूलने की शिकायतें होती हैं, कैंसर, कई किस्म के जो है कैंसर्स फॉर्म होते हैं, डिप्रेशन होता है, डायबिटीज़ आता है, गॉल ब्लैडर और लिवर के डिसीजेस आते हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जोड़ों के दरमियान जो है कई किस्म के फ्लूइड्स फॉर्म होके उसमें इन्फेक्शन होता है जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, सैडनेस, डिप्रेशन, कितने बीमारी एक बीमारी से निकलते हैं। आज ओबेसिटी को बीमारियों की माँ कह सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि सडन डेथ आज अगर होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से होता है और उसका असल रीज़न मोटापा है। और मोटापा जो है अगर फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी तरह करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग़िज़ा एतिदाल से खाएं और जो है खाने के बाद तकरीबन जो है उस लेवल का जो है हम मेटाबॉलिज्म मेंटेन करें तो इंशाअल्लाह ताला जो है ओबेसिटी से हम बच सकते हैं। कई लोग जो है कोशिश करते हैं वज़न कम करने के लिए मगर बड़ी मुश्किल होती है जब वो लोग सही तौर पर फिजिकल एक्टिव नहीं रहते और उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसी जड़ी बूटियों का इलाज करते हैं जिससे जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हुआ है, चाहे वो लिवर के अंदर हो, चाहे वो मसल्स के अंदर हो, वो आहिस्ता आहिस्ता फैट मोशन के थ्रू जो है घुल के और जो है पसीना के थ्रू बाहर आ जाती है, जिससे तकरीबन एक महीने के अंदर 4 से 5 किलो जो है ईजीली जो है विदाउट एक्सरसाइज जो है वज़न कम हो सकता है इंशाल्लाह। अगर कोई हमारे दवाओं के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लिया और एहतियात कम कर लिया, दावतें वगैरह जाने में थोड़ा सा एहतियात कर लिया, तो समझो कि 10 किलो तक भी एक महीने में कम हो सकता है इंशाल्लाह। और हमारी दवाएं जैसे लोगों के दिमाग में है कि भाई ओबेसिटी की दवाएं कोई खाएंगे तो जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट के बगैर आप जो है वज़न को कम कर सकते हैं और दूसरे बीमारियों से इंशाल्लाह बच सकते हैं। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। नाजरीन, आज हम आपको साइनोसेटिस के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। साइनोसेटिस, जिसको हम नज़ला और ज़ुकाम भी कहते हैं, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है। तकरीबन घर में कोई ना कोई छींकता रहता है, किसी ना किसी को नज़ला होता है। दिमाग की कुछ रुतूबतें होती हैं, अगर वो अगले हिस्से में आके जमा हो जाती हैं तो उसको ज़ुकाम कहते हैं, और वो पिछले हिस्से में नीचे तरफ जाते हैं तो उसको नज़ला कहा जाता है। बात यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर क़ुव्वत मनात कम है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बार बार अटैक करता है। ये जो स्कल है इसके अंदर आप देखा जाए तो सुराख होते हैं जिसको साइनस कहते हैं, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। अगर वो हवा के बदले जो रुतुबत खारिज होती है वो जमा हो गया तो उसमें इन्फेक्शन होता है, जिसको साइनोसेटिस कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ऐसी दवाएं देते हैं जिसमें उस वक्त के लिए राहत मिलती है मगर बाद में फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर वो एंटी एलर्जिक दवाएं काम नहीं करते। असल में सबब का इजाला करना चाहिए। जो लोगों को इम्यूनिटी पावर कम है तो ऐसी दवाओं का या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, क्योंकि जो साइनोसाइटिस होती है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली एक प्रॉब्लम है। बार बार नाक से पानी का निकलना, बार बार छींक आना, आंखें लाल हो जाना, नाक में खुजली होना और बार बार खांसी होना, ये तकलीफ़ों से जो है
रूटीन के जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर साइनोसिटिस का बेहतरीन इलाज होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसे लोग मुतासिर हैं जो बार बार छींकते रहते हैं, या उनको DNS यानी डिएवेटल नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम है और बार बार उनको जो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होती रहती है, ऐसे लोग डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं होता, और ऐसी ख़ास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे साइनोसाइटिस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अगर कोई लोग एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमारे दवाओं के साथ इस्तेमाल करने के बाद वह एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाती है। दवाएं तकरीबन 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। नाजरीन, अगर कोई साइनोसाइटिस की तकलीफ़ में परेशान है तो आप उनको हमारा मोबाइल नंबर दे के उनसे हमारा राबता कर सकते हैं। किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रेनल फेलियर, किडनी ट्यूमर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, लिवर डिसऑर्डर्स, लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी जी वायरस इन्फेक्शन, फैटी लिवर, जॉन्टिस, डायबिटीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, ब्रांडी, विस्की, ड्रग एडिक्शन, न्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस, लंबर स्पॉन्डिलिटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, हेडेक, माइग्रेन, नर्व पेन, मस्कुलर पेन, पैरालिसिस, अस्थमा, एलर्जी, साइनसाइटिस, स्किन डिजीजेस, विटिलगो लेकोडर्मा, सोरियासिस, डर्माटाइटिस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मास्टरबेशन, लेडीज प्रॉब्लम्स, यूट्रस प्रॉब्लम्स, यूट्रस फाइब्रोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लिकोरिया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ऑलिगोस्पर्मिया, लो मोर्टैलिटी, HIV एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कैंसर, ब्लड कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर, हेयर फॉलिंग, डैंड्रफ, बाल्डनेस, ओबेसिटी, गॉल ब्लैडर स्टोन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेजर मेंटल डिप्रेशन, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिप्रेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वॉक्स, गैस्ट्रिटिस, गैस्ट्रिक अल्सर एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुआलजा पर दोनों मियां बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं, ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस: डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामबाड़ी, 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167, 9894140363। बेंगलोर कसीनी हॉस्पिटल, 11/2 क्वींस रोड, संजीवनी बिल्डिंग, शिवाजी नगर, बेंगलोर 52, कर्नाटका। मोबाइल नंबर 9036078614, 9766596927।